गुड इवनिंग ऑल माय रॉक स्टार्स, वेलकम बैक टू वेदांतु 9/10 का हिंदी चैनल। क्या हाल है एंड हाउ वाज एवरीबॉडीज बोर्ड एग्जाम? दिस इज अमित सरोरा, योर मास्टर टीचर फॉर इंग्लिश। कैसे हैं मेरे सारे रॉक स्टार्स? फुल जोश में, आई कैन नॉट कीप काम, अगेन सुपर 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 एक्साइटेड। बेटा क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ओ माई गुडनेस। तो ओवरऑल तो हमें लग रहा है इंग्लिश पेपर अच्छा गया सबका। गुड गुड बेटा, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक गॉड। अमित सर का ना आधा बुखार उतर गया आफ्टर लिसनिंग एंड आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन पेपर्स। चलो सुपर एक्साइटेड। ओके, व्हाट्स अप माई यशस्वी, हेलो माई आयुष, व्हाट्स अप माई कशिश, हेलो माई कनिष्क, हेलो माई मयूर। चलो तो बेटा बहुत सारे सेट्स थे एनालाइज करने के लिए, लेकिन ओवरऑल बहुत इजी था। अमित सर को इस बार इंग्लिश पेपर में कोई भी खतरे की घंटी नहीं नजर आ रही है। एक दो चीजें इधर उधर थी, बट नॉट टू वरी एट ऑल। अभी बेटे मेरी बात सुन लो बेटा, ठीक है? ध्यान से सुनो, बिफोर यू स्टार्ट पैनिकिंग, डोंट पैनिक, नेवर फियर, अमित सर इज हियर। ये वीडियो में आई एम डिस्कसिंग ऑल दीज सेट्स, ठीक है बेटा? ये सारे सेट्स मैं अभी तक कंपाइल कर पाया, मैं डिस्कस करूंगा, मेरी बात सुनो। 6:15 आज का दिन मैं फिर से लाइव आने वाला हूँ इंग्लिश चैनल पे, वेदांतु 9/10 का इंग्लिश चैनल, ठीक है? तो बेटा उसमें भी जुड़ जाना। उसमें उसमें व्हाट आई विल डू इज मैं बाकी का एनालाइज कर दूंगा। सो टुडे बिफोर आप नींद सो सबके सब अगर जाओ तो अमित सर विल हैव डन ऑल द एनालिसिस। इज इट ओके पीपल, इज इट ओके? अभी बेटा सेट 3 सेट 2 हमें नहीं पता, अभी देख लो बेटा। ये आपके सारे सेट्स आपके सामने है क्योंकि मैं नंबरिंग करके लाया हूँ प्रॉपरली, ताकि इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है? चलो तो हम शुरू करते हैं। तो बेटा इसी के साथ, ओ अरे इंस्टाग्राम पे भाई साहब पूरी रात सोने नहीं दिया, आप भी नहीं सो, हमको भी सोने नहीं दिया, लेकिन बेटा जुड़े रहना हमेशा अमित सर के इंस्टाग्राम पे, आते रहना। टू मच फन इज हैपनिंग एंड स्टडीज आपको 11th 12th में भी हेल्प करेगा। टेलीग्राम पे हमेशा ड्रॉपिंग योर मैसेज बेटा, स्टे इन टच, ठीक है? हमारा चैनल भी है और हमारा ईमेल भी आपको दे रहे हैं, गुड बाय नहीं बोल रहे हैं, इतना याद रखना। चलो बेटा तो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। पहले पहले सारे के सारे बच्चे इसी वक्त वीडियो को लाइक करेंगे। बेटा हम देख रहे हैं 1K लाइव जुड़ चुके हैं, अभी तक 500 भी क्रॉस नहीं हुआ है। हिट द लाइक बटन, जब तक लाइक नहीं करोगे हम एनालाइज नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं आपको आंसर क्या। जाओ बैठे रहो, पढ़े रहो, है ना? तो हिट द लाइक बटन एंड बेटा सब्सक्राइब करे रहना है। अभी तो मैराथन शुरू होंगे सर, अभी तो सारे बोर्ड एग्जाम शुरू होंगे, बट आई एम हैप्पी कि इंग्लिश अच्छा हो गया, थैंक गुडनेस, बट आगे भी अच्छा होगा। बेटा शेयर करो ये वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी बच्चा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, नहीं आता है, शेयर करके अमित सर के वीडियो में बुलाओ, हम सब उसको सॉल्व करवा देंगे। चलो पीपल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिपिकल स्ट्रक्चर था, इजी था, थैंकफुली लेंथी नहीं था, मतलब 2 घंटे में लिखने लायक पेपर था। पैसेजेस इजी थे, इंटरेस्टिंग थे, घुमाऊ नहीं थे, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, फैक्चुअल थे, मेमोरी बेस्ड थे। दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस अमित सर ने जो सारे डिफरेंट सेट्स का किया है, ठीक है? तो बेटा ये अभी बीच वाला जो पैसेज है बेटा, ये APQRS/1 का सेट है, ठीक है? लेकिन ये काफी सेट्स में पैसेज आया है, मस्त पैसेज था। दिस वॉज अबाउट बीच, दिस वॉज अबाउट सैंड। मैं पूरा का पूरा पैसेज नहीं पढ़ूंगा, आपको आता है, ठीक है? सैंड के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, ठीक है? सैंड का डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? सैंड कहाँ से आती है, सैंड का स्ट्रक्चर है, एंड सैंड फाइनली क्यों है, सैंड के वैरायटी ऑफ यूजेस, ठीक है? ये सब के बारे में था। तो बेटा अब शुरू करते हैं पोस्टमार्टम, आ जाओ। तो सैंड का है, कैसे ट्रेजर ट्रोव कैसे है सर? देखो तो बेटा ट्रेजर ट्रोव मतलब कि सैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज में से मिल जाएगा। वी कैन फाइंड द हिस्ट्री ऑफ आर अर्थ इन सैंड, बोले तो एनिमल्स जो लिव एंड एक्सटिंक्ट हुए, ये 1 पॉइंट है। सैंड ऑल्सो कंटेन्स मिनरल्स, फ्रैगमेंट्स ऑफ जेम्स बॉस, ये दूसरा पॉइंट है। सो सैंड कैन बी कॉल्ड अ ट्रेजर ट्रोव। मेरे हिसाब से दोनों पॉइंट लिखकर आओगे तो बेटा आपको 1 मार्क गारंटी मिल जाएगा, एंड दिस वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड। अगला सवाल, सैंड बोथ पेन और प्लेजर क्या है बेटा? इसको बोलते हैं HQ, हलवा क्वेश्चन। हम दोनों बताएंगे, हलवा भी और जलवा भी, ठीक है? तो बेटा प्लेजर जब भी खेलो एंड रिलैक्स करो, सैंड बिकम्स अ पेन जब भी खाने में आ जाए तो सर मतलब वो थोड़ा दिक्कत होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गिवन है बेटा, एवरीथिंग वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा 2 मैनमेड मटेरियल्स, ये तो हलवा स्क्वायर क्वेश्चन है, मतलब दो दो हलवे के तुमको प्लेट दिया है भगवान ने, कॉन्क्रीट एंड ग्लास, स्ट्रेट अवे गिवन इन द पैसेज, नो क्वेश्चंस नो डिबेट्स, ठीक है बेटा? डिफरेंट शेप्स ऑफ सैंड,
ये भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ ढूंढना ही नहीं है सर। मतलब बेटा, इवन इफ यू हैड एमजी क्वालिटीज, मेंटल गूगल, अमित सर ने आपको बार बार बताया था कि ना, जब भी पैसेज पढ़ोगे तो उसको मैप करके रखना, मेरे को पैरा वन में जाना है, पैरा टू में जाना है, पैरा फोर में जाना है, आपको ये पता चल जाएगा। शेप्स ऑफ सैंड में, ठीक है, साइज ऑफ सैंड कैन बी वेरीड, सैंड ग्रेन्स कैन हैव द शेप ऑफ स्टार्स, स्पाइरल्स, एजेस कैन बी वेरीड, जैगेट और स्मूथ। तो बेटा ये चार शब्दों के कुल मिला के आपको मिलेंगे 1 मार्क्स, 1 मार्क बस। ठीक है, तो मतलब सब कुछ लिख के आओगे, दिल से लिख के आओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सोहम जाना गावे तेरे को, इतनी पिटाई करेंगे हम लाइव वीडियो में, हमको पूछ रहा है लंच होने संडे को लेटर। चलो ठीक है बेटा, ओरिजिन ऑफ वाइट सैंड ये भी दिया है। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही थी, आपको खाली वाइट सैंड के हिस्से पे जाना है, वाइट सैंड तो ढूंढ सकते हो बेटा। कोरल आउटक्रॉप्स फ्रॉम जिप्सम और फ्रॉम क्रिस्टलाइन क्वार्ट्स। अभी मेरे सारे वो जो तोप बोल रहे थे, सर कॉपी पेस्ट करेंगे तो मार्क्स कटेंगे, अरे बेटा कोरल आउटक्रॉप्स, जिप्सम और क्रिस्टलाइन, कॉपी पेस्ट नहीं करोगे तो क्या दिल से सोचोगे, दिमाग से सोचोगे? नहीं ना, किया ना कॉपी पेस्ट, मिल जाएगा मार्क, अभी टेंशन मत लो। ठीक है, अमित सर टीचर्स इन द 11th। अरे बेटा तुमको 10th में सिखाऊं, हम तुमको मेडिसिन दिखाएंगे ना बेटा। अमित सर इज सिटिंग ऑन 8 एंटीबायोटिक्स, तभी हम चल पाए हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को डर था मेरे बच्चों का एग्जाम अच्छा हो जाए, उसके बाद बीमार पड़ जाऊंगा। चलो बेटा, इन व्हाट वेज आर ओल्डर ग्रैन्यूल्स डिफरेंट फ्रॉम रीसेंट ग्रैन्यूल्स। तो बेटा सिर्फ आपको फिर से ग्रैन्यूल्स के पार्ट में जाना है, ओल्डर वर्सेस न्यूअर। ठीक है, ओल्ड ग्रैन्यूल्स फाइनर, स्मूदर एजेस, देन न्यू ग्रैन्यूल्स, बस बस बस, और कुछ भी नहीं है ना श्री, ऑल इंस्ट्रक्टेड केम ना, मैं बोले था ना आपको। चलो बेटा, उसके बाद आ जाओ आपका सेकंड पैसेज। बेटा अभी वापस से पैसेजेस काफी मिक्स एंड मैच हुए थे, तो अगर आपके सेट में ये वाला आया, एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ओपी पैसेज, ठीक है, मजेदार पैसेज था, इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा था। तो इसमें बेटा था कि बॉटल ड्रिंकिंग वाटर काहे, ठीक है, अच्छा अंडरग्राउंड वाटर का क्या फंडा होता है। ठीक है, तो बेटा वाटर टेबल का क्या कॉन्सेप्ट है, अर्थ सर्फेस के नीचे बॉटलिंग कंपनीज क्या क्या करती है। उसके बाद ना बेटा आपको आया कन्फाइंड एक्वीफियर। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं भी आता है, अमित सर ने एक ही बात बोली थी, टेंशन लेने का नहीं, यू हैव टू जस्ट फाइंड द वर्ड, आंसर द क्वेश्चन, और वही आया। ठीक है सुनो, तो वो क्या होता है उसके आगे दिया है। ठीक है, ये वाटर कैसे हो सकता है दिया है। ठीक है, प्रेशराइज नेचर होता है, कुछ कुछ होता है, पानी ऊपर आता है, कुछ कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सब कुछ दिया है पीपल, स्टैंडर्ड था। कोई फायदा हुआ इतना स्ट्रेस लेने का, इतना टेंशन लेने का? अमित सर की रातों की नींद, सर सर कॉपी पेस्ट नहीं करे तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से ली। अरे छोड़ो बेटा, क्यों टेंशन ले रहे। चलो तो बेटा, व्हाट कंडीशंस डस अ नेचुरल स्प्रिंग एमर्ज। ऑल यू हैव टू डू इज गो टू नेचुरल स्प्रिंग का पार्ट। ठीक है, इफ द लेवल ऑफ द वॉटर टेबल इज हायर, तो बेटा यहाँ पे ना आपको कंडीशन वा दिया है। ठीक है, देन द अर्थ सर्फेस नेचुरल स्प्रिंग कैन इमर्ज, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गिवन इन द पैसेज, आपको पैसेज में से ही उठाना है। ठीक है, दिस इज वॉट इट इज। चलो पीपल, कन्फाइंड एक्वेफियर, तो एक्वेफियर बेटा इज एक्चुअली अ वॉटर बॉडी। देखो बेटा, ये वर्ड आता है एक्वा से। ठीक है, अभी चिल मारो। ठीक है, कन्फाइंड मतलब जो बंद होता है, अगर आपको नहीं भी आता है क्या दिक्कत है, कन्फाइंड एक्वेफियर, डीप सबटरेनियन, नहीं आता है पैसेज में से उठाओ, चुप करो। ठीक है, कैविटी, होल ऑफ पोरस रॉक, बेटा पोरस मतलब कि ना जिसमें वॉटर कैन सीप थ्रू। ठीक है, दैट कंटेन्स वाटर वाइल ऑल्सो बेरिंग द प्रेशर ऑफ अ रिस्ट्रिक्टिंग लेयर अबाव इट। मतलब इसके अलावा नहीं लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये मेरे को पूछना है। ऐसे ही लिखोगे ना, बस दैट्स ऑल, यू विल गेट योर 1 मार्क, नो टेंशन। चलो बेटा, फ्लोइंग आर्टेशियन वेल काहे, सर ये काहे, तो बेटा द प्रेशराइज नेचर ऑफ द कन्फाइंड एक्वेफियर विल राइज फ्रॉम द वॉटर फ्रॉम विद इन इट एंड फॉर्म अ फ्लोइंग आर्टिशियन वेल। अब ये आंसर कहाँ ढूंढे सर, अरे आर्टिशियन वेल ढूंढो ना, आर्टिशियन वेल टर्म मिलेगा आस पास में, आपको पता चल जाएगा फॉर्मेशन कैसे होता है। पीपल अगर आपको आर्टिशियन वेल भी फॉर्म तो आता है ना, लिखो ना फॉर्म, येस। बट बेटा प्योरिफाइड वाटर समझा दो, मतलब ना अमित सर ये देख रहे थे, एक तरफ आंसू एक तरफ हंसी, हमको रोना भी नहीं आ रहा था, ऐसे सवाल टर्म वन में आ जाते तो क्या प्रॉब्लम होती यार, है ना पीपल। चलो, सो प्योरिफाइड वाटर मीन्स वाटर दैट हैज अंडरगॉन मेनी क्लीनिंग प्रोसेसेस, रिवर्स ऑस्मोसिस इज वन ऑफ द कॉमन
फिल्टरिंग प्रोसेस बेटा, आपको एक एग्जाम्पल आइडियली देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि 100% प्योरिफाइड वाटर मतलब क्लीन वाटर, प्योर वाटर 100% दैट इज क्लीन, अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है हमारे हिसाब से बेटा, अगर आप एक एग्जाम्पल दोगे, ठीक है? अभी जैसे क्लोरीनेटेड वाटर इज नॉट प्योरिफाइड वाटर, वो जो दिया हुआ है तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो बेटा, हाउ आर पैथोजेंस ट्रीटेड? तो अगेन यू ओनली हैव टू गो टू द पार्ट ऑफ पैथोजेंस, ठीक है? यूवी लाइट हैज नेचुरल एंटीबायोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यूज टू ट्रीट पैथोजेंस गिवन है द, अच्छा कैसे? तो आपने ये पहले बोला वॉट, उसके बाद बेटा आपको बताना पड़ेगा हाउ. सो द लाइट डिसइंफेक्ट्स वाटर फ्रॉम वायरल्स, नहीं वायरल एजेंट्स, ठीक है? सच एज हेपेटाइटिस गिवन इन द मैसेजर, नॉट टू वरी एट ऑल, ठीक है ना? चलो बेटा, म्युनिसिपल वाटर क्लोरीनेशन से कहे, तो आपको क्या करना है, आपको लिटरली जाके ढूंढना है म्युनिसिपल वाटर एंड क्लोरीनेशन, लिखो जितना चाहिए लिखो. क्लोरीनेशन इज द ओनली एंटी माइक्रोबायल ट्रीटमेंट दैट कैन इंश्योर कंटेमिनेंट फ्री प्योर वाटर द वे थ्रू पाइप्स टू हाउस टैप्स. इट इज इन एक्सपेंसिव. बेटा आपको दो बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे, कॉन्टेमिनेंट फ्री वाटर एंड इन एक्सपेंसिव, क्योंकि ये लार्ज स्केल पे होता है, गवर्नमेंट करती है, दैट्स वाई म्युनिसिपल वाटर इज ट्रीटेड बाय क्लोरीनेशन. बेटा दोनों दोनों आपके फोटो देख के गए थे. थैंक यू माई प्रकृति, दैट मीन्स अ लॉट टू मी. चलो बेटा, बहुत दिल से मेरे को बच्चों ने. चलो बेटा, उसके बाद आ जाओ, अभी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ राइटिंग एंड ग्रामर पे, आ जाओ, आ जाओ राइटिंग एंड ग्रामर दिखाते हैं. बेटा इसके पहले जरा हमको चैट में एक बड़ा सा यो दे दो. आर यू फीलिंग हैप्पी? यो दे दो चैट में. सारे के सारे बच्चे इसी वक्त यो लगाएंगे, फुल जोश में यो लगा. आर यू फीलिंग हैप्पी? आर यू फीलिंग हैप्पी? एवरीबॉडी इज फीलिंग हैप्पी. अमित सर इज जस्ट फीलिंग थोड़ा शांत, मोर देन हैप्पी. बेटा अमित सर बहुत थक गए, ये अलग बात है, लेकिन मोर देन हैप्पी. बेटा यो लगा दो, जल्दी जल्दी यो दो अमित सर को चैट में, एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस सब मिलके फील करते हैं. बताओ रे बाबा, यो 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 एवरीबडी यो, है ना? थोड़ा मतलब दिमाग से बाहर उतरा, पहला एग्जाम, थैंक गॉड. अच्छा क्या सर, ठीक है? नो सर, नॉट हैप्पी. यू यू यू. चलो तो बेटा लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ. अभी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, कि समझो अगर आपको अभी तक कुछ क्वेरीज या डाउट्स हैं, अमित सर इज नॉट गोइंग अवे. बेटा जो ये जो वीडियो चल रहा है, इसके नीचे ना यहाँ पे बेटा एक लिंक है, ठीक है? एंड यहाँ पे ना आपको लिंक में हमको मैसेज भेजना है, एंड एक व्हाट्सएप नंबर भी है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो बेटा उसमें यू कैन रीच आउट टू अस, 100% माई टीम विल हेल्प यू फॉर फ्री, पैसे नहीं लेंगे, टेंशन मत करो, ठीक है? तो बेटा डू नॉट फील स्केड. अभी आपके बाकी बोर्ड एग्जाम्स सारे पेंडिंग है, इंग्लिश में फोड़ दिया है या नहीं फोड़ा है तो चिल मारो, हमेशा रिमेंबर बट वी आर देयर फॉर यू, तो टेंशन मत लो. चलो मिल्खा का पैसेज, अरे बहुत अच्छा था और अमित सर ने पढ़ा, वो तो एकदम ओपी था. चलो बेटा आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं. सुधा सुधीर, प्रिंसिपल ऑफ वसंत स्कूल, स्कूल हैज स्टार्टेड म्यूजिक डिपार्टमेंट. आहा हा, राइट अ लेटर टू मैनेजर, दिया है डेजिग्नेशन, मेलोडी हाउस कंपनी, MG रोड आगरा, होलसेल सप्लायर्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ दिया है. बेटा प्लेसिंग अ डिटेल्ड ऑर्डर फॉर 5 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज योर बॉडी, दैट इज योर सब्जेक्ट. बेटा सुनो, ask for a discount. बेटा discount mention नहीं करोगे तो half mark कटेगा on the catalog price. मतलब आपको catalog word mention करना पड़ेगा वरना half mark कटेगा, क्योंकि बेटा तभी आपको दिए है ना, मतलब आपने catalog मंगाया है या मंगा रहे हो या मंगा चुके हो, तो उसके हिसाब से लिखना, याद रखो. चलो तो बेटा sender's address, date, अभी डेट का फॉर्मेट टेंशन मत लो, पीपल यू हैव टू राइट द डेट एज टुडेज डेट और एग्जाम डेट. मंथ आपको मेंशन करना है इन वर्ड्स, ठीक है? मैनेजर, मेलोडी हाउस एंड द लोकेशन, ठीक है? सब्जेक्ट ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्टैंडर्ड है, ठीक है? व्हाई डिड लोमोव प्रपोज नटालिया ऑन अ संडे? नहीं है ये डाउट्स अमित सर के लेवल के ऊपर है, अमित सर की लेवल नीचे. संडे से हमको चिड़ आ गई है अभी. चलो बेटा तो वापस से, डियर सर मैम लिखे हो तो भी चलेगा, सर मैम लिखे हो तो भी चलेगा. बेटा अगर सब्जेक्ट को सैल्यूटेशन के नीचे लिखे हो या ऊपर लिखे हो तो भी चलेगा, स्टॉप पैनिकिंग, ठीक है? ये अमित सर ने कल क्लियर कर दिया था. सुनो, सो वी आर हैप्पी टू प्लेस द ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स, काइंडली सेंड द फॉलोइंग आइटम्स एट द अबव एड्रेस. इसके आप लिख सकते हो कि थैंक यू फॉर योर कैटलॉग, आई रिसीव्ड योर कैटलॉग, आई एम सो एंड सो फ्रॉम बिहाफ ऑफ सो एंड सो विद रेफरेंस टू योर सो एंड सो, वो सब आपने जो लिखा है बेटा सही है. बेटा ये टेबल बनाना, अमित सर को टेबल बनाने का टाइम नहीं मिला, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी में ये वीडियो बना के लेकर आया हूँ, ठीक है? चलो
अच्छा बेटा, ये पूरा का पूरा बीएच पार्ट था। ऑल आइटम शुड बी गुड कंडीशन, डिलीवर्ड बाय द एंड ऑफ द मंथ, एनी डैमेज योर, वी हैव नेवर बीन गिवन अपॉर्चुनिटी टू कंप्लेन, गुड्स हैव रीच्ड इन एक्सलेंट कंडीशंस, वी डू एक्सपेक्ट अ सेम डिलीवरी, काइंडली ऑफर अस अ सूटेबल डिस्काउंट। ये सब कर दिया, बस 5 out of 5 चूमी एंड हाई फाई लेटर में मेरी जानों को मिल जाएगा, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क ना, हाँ, वो भी मैंने पढ़ा, कोई तो सेट में था यार मैं, हाँ, बट इट वॉज सुपर इजी। पीपल एनालिटिकल पैरा ओपी, ओ माई गॉड, सारे के सारे सेट्स का एनालिटिकल पैरा वॉज फुल लव, पीपल फुल लव, आई एम सॉरी दिस इज वियर्ड हार्ट बट आई लव्ड इट यार। क्या जेके रोलिंग का पैसेज आया तुम लोग को, बेशर्मो, सोचो काश हमको आता। पीपल अमित सर हैज 2 loves यार, हैरी पॉटर एंड बीटीएस, तुम लोग को उसमें से एक का पैसेज आया, हैरी पॉटर का, व्हाट एल्स कैन बी बेटर यार, वो भी हेलो फैक्चुअल पैसेज ऑन जेके रोलिंग। वाह वाह बेटा वाह, तुम लोग तो निकले लकी वैच। चलो अमित सर इज वेरी हैप्पी फॉर यू। देखो बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग अभी रिप्लेस हो गया है टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन डिजिटल, तो मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग के मेथड्स हैं, ठीक है। दीज मेथड्स आर अ बेटर कॉन्ट्रीब्यूटर। सो बेटा कौन से, उसका रिजल्ट्स क्या है, वाइडर रीच है, कॉस्ट इफेक्टिव है, डीटीसी डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ब्रांड अवेयरनेस, ग्लोबल आइडेंटिटी, तो डिजिटल मार्केटिंग के ये बेनिफिट्स हैं बेटा, लिखो। सो हमेशा जब भी पाई चार्ट आएगा बेटा, जो भी मैं सेट अभी कर पाया अभी करूंगा, वरना 6:15 बजे के वीडियो में आ जाना इंग्लिश चैनल पे बेटा, उस पे करूंगा, मैं ही करूंगा, आ जाना, ठीक है, वेदांतु 9 और 10 का इंग्लिश चैनल, ठीक है। हेलो माय अर्जुन। चलो तो बेटा, हमेशा पाई चार्ट में अमित सर ने आपको बताया है कि पहले हाईएस्ट का लिखो, फिर लोएस्ट का लिखो, ठीक है, उसके बाद बेटा मेजॉरिटी का लिखो, फिर उसके बाद माइनॉरिटी का लिखो। मेजॉरिटी माइनॉरिटी मतलब जैसे कि 45+20 65% इज अ मेजर चंक, जबकि 10% 10% 20% इज अ माइनर चंक। देखो तो बेटा, इंट्रो में गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, दिया है, क्वेश्चन में से ही उठाना है, ठीक है। चार ट्रेंड्स बॉडी में बताने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज 45% हाईएस्ट वाला, 20% नेक्स्ट वाला, ठीक है, 10% लीस्ट वाला, बस आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है। एंड बेटा कंक्लूजन, हमेशा कंक्लूजन हमेशा एग्री करने का, इट इज क्लियर दैट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पेज ऑफ वेरी वेल, इज वेरी सक्सेसफुल, इज वेरी नाइस, इज ओपी, खत्म, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा आ जाओ आ जाओ, एडिटिंग एंड ओमिशन, एडिटिंग एंड ओमिशन से इजी कुछ था ही नहीं लाइफ में, ठीक है। आपको बेसिक प्रेपोजिशंस कंजंक्शंस का टेस्ट हुआ था, आई थिंक थोड़े बेसिक मॉडल वर्ब्स का आया था, डिटर्मिनस का भी ज़्यादा फंडू नहीं आया था बेटा, मजा आ गया मेरे को। सो अ टीचर, ये वो वाला सवाल है बेटा, ठीक है, वो वाला, अभी लिखो आंसर, जरा लिखो आंसर, आंसर लिखो थोड़ा, तुम भी काम करो। अ टीचर वॉज डिस्कसिंग एन इंपॉर्टेंट लेसन, ठीक है, ऑन द क्लास, ऑन नहीं सर, इन द क्लास, व्हेन ही नोटिस दैट अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द बैक, बेटा ये ओपी था, ये मस्त ओपी था, पहले हमें सर को सोचना पड़ा, पर ये आंसर बहुत मस्त है। ऑफ द क्लासरूम हैज फॉलन, सुपर इजी सर, ठीक है, आंसर लिखो बेटा, आंसर लिखो, ए बी सी का आंसर, हम देखो तुमको आता है कि नहीं, अभी तो सर एग्जाम देकर आया, हम तो ओपन गए, आपके जैसे नहीं है, लिखो, एवरीबडी राइट द आंसर, ताकि अमित सर को भी लगे कि आप ध्यान दे रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, लिखो रे बबुआ, हाँ, अरे क्या बात है क्या बात है, ओ माय गुडनेस, सुपर, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, आ हा हा, सुपर, यस यस यस, सुपर। तो बेटा ठीक है, ये चेंज हो गया है, ये ओवरलैप हो गया है, सॉरी, जल्दी जल्दी में, तो नोटिस नहीं बबुआ, नोटिस्ड, बिकॉज एवरी थिंग इज इन द सिंपल पास्ट टेंस, रिमेंबर दैट, सो दैट इज 100% बेटा। सिटिंग ऑन द बैक नहीं, सिटिंग एट द बैक, यू कैन नॉट से सिटिंग इन द बैक, अभी सोचो ठीक है, आप क्या बोलोगे, आई सैट इन द बैक ऑफ द बस और आई सैट एट द बैक ऑफ द बस, यू सैट एट द बैक ऑफ द बस, ठीक है, तो बेटा एट आएगा, इन नहीं आएगा, ठीक है, एंड हैज नहीं सर, हैड फॉलन, ऑब्वियसली पास्ट टेंस सर, सुपर, मजा आ गया बेटा। बताओ रिपोर्टेड स्पीच का, बताओ, प्लीज गिव मी 3 tickets टू इंडिया गेट, कंडक्टर 10 rupees अ टिकट, द पैसेंजर रिक्वेस्टेड द कंडक्टर, काहे, द कंडक्टर रिप्लाइड दैट, काहे, लिखो बेटा लिखो, बहुत इजी था वैसे तो, सुपर इजी था, अगेन पीपल टी टी पी ओ पी, टाइम चेंज, टेंस चेंज, प्रोनाउन चेंज, एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस बिकम्स नॉर्मल, इधर इंटरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं आया, ठीक है। जेके रोलिंग और मिल्खा सिंह, एब्सोल्यूटली ऑसम पैसेजेस थे यार, ठीक है, इजी पीजी है पीपल। चलो, सो द पैसेंजर रिक्वेस्टेड द कंडक्टर, बेटा द पैसेंजर, यू कैन से टोल्ड द कंडक्टर, आस्क द कंडक्टर, कुछ भी चलेगा, यू विल गेट योर मार्क्स, टू गिव हिम 3 tickets टू इंडिया गेट,
बेटा इसमें गिव का वो मत कर देना, पास्ट टेंस मत कर देना, गिव गिव ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आ गया ना, प्लीज डोंट से द पैसेंजर, प्लीज डू द कंडक्टर, पिटाई करेंगे तुम्हारी, ठीक है। कंडक्टर रिप्लाइड दैट ईच टिकट कॉस्टेड 10 रुपीज, ठीक है बेटा ये मत भूलना, ईच टिकट कॉस्टेड 10 रुपीज, हाँ ठीक है, क्लियर है, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। चलो पीपल इसके बाद लिटरेचर पे आ जाओ, लिटरेचर से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नहीं था, एवरीथिंग ऑफ लिटरेचर हमार सुपर 30 में, हमार 10 गारंटीड क्वेश्चंस में, हमार आउटलाइन वीडियो में, मैराथन में, स्प्रिंटेक्स में, बेटा 100%। अरे सुपर चैट, ठीक है, थैंक यू थैंक यू, ठीक है चलो पीपल, इजी बीजी। चलो तो बेटा हाउ अकॉर्डिंग टू बुद्धा वन कैन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, अरे सर पर्सन कैन गेट पीस ऑफ माइंड ओनली, कल हम बताए थे कल, इफ ही ड्रॉज आउट द एरो ऑफ लैमेंटेशन कंप्लेंट एंड ग्रीफ, दोज हु ओवरकम ऑल सॉरोज बिकम फ्री फ्रॉम डिसइल्यूजन गेट पीस ऑफ माइंड एंड विल बी ब्लेस्ड, सेम टू सेम टू सेम है, ठीक है बेटा। सेट वेट छोड़ो, अगर ये सवाल आपके उसमें आया तो देखो बस खत्म, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स, व्हाट डज दिस रिफ्लेक्ट अबाउट मम्मी एंड जमेंडा, सुपर सिंपल है बेटा, ठीक है सुपर सिंपल है, फिर से इजी पीजी है। द अमेंडा इज अ टीनेज गर्ल, वेरी कैजुअल पर्सन हु वॉन्ट्स टू लीड, आप लिख सकते हो कि शी इज नॉट पेइंग अटेंशन, शी वॉन्ट्स फ्रीडम, कुछ भी चलेगा ठीक है, विदाउट बींग इंस्ट्रक्टेड सो शी बाइट्स, स्लाउचेस, कीप्स हर शोल्डर्स हंच्ड, मतलब अमेंडा चिल्लर है, चिल्लर नॉट चिल्लर, चिल्लर मम्मी बापरे, ठीक है मम्मी इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस, अमेंडा लव्स टू बी फ्री एंड इंडिपेंडेंट विदाउट बीइंग नैग्ड, मम्मी वांट्स टू कीप हर डिसिप्लिन, मम्मी वांट्स टू टीच हर कोड ऑफ कंडक्ट, मम्मी इज वरीड अबाउट हाउ पीपल विल थिंक अबाउट हर, ऑल ऑफ दिस विल गेट यू, ठीक है। इट वुड कॉस्ट, नहीं बेटा कॉस्टेड, वुड कॉस्ट क्या होता है, ठीक है चलो पीपल। वॉल्ट विटमैन शोज हिज प्रेफरेंस फॉर लिविंग विद एनिमल्स जस्टिफाई, अरे बाप रे, मतलब इससे ज्यादा हलवा क्वेश्चन मजा आ गया, ठीक है। एनिमल्स आर प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, बेटा ये सारे सवाल में लिख के आना, वो जो आपके कोई और एक सेट में आया था, ख्याति ने मुझे कौन सा सेट भेजा सर, वो वॉट आर टू थिंग्स दैट एनिमल्स डू एंड ह्यूमन्स डोंट, यही आंसर लिखो सेम, एनिमल्स आर प्लेसिड सेल्फ कंटेंट, दे आर सेटिस्फाइड विद देयर लॉट, दे नेवर कंप्लेन, पोएट इज डिस्गस्टेड विद लिविंग अमॉन्ग ह्यूमन्स, सो ही विशेस टू लिव, सेम टू सेम टू सेम, सब पेपर फोड़ दिया, सुपर चैट, आई नो, ठीक है तो बेटा चलो आगे बढ़ते हैं। राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमोव, मतलब ना इससे ज्यादा दिल से टर्म टू ने हमको इतना प्यार क्यों कर दिया, बाप रे, ठीक है देखो बेटा, तो लोमोव इज अ क्लोज नेबर बियॉन्ड द एज ऑफ मैरिज 35, बेटा आप पीपी कर सकते हो, पेरीपोना, पीपी पेरीपोना, फिजिकल एंड पर्सनैलिटी, फिजिकल में क्या क्या था, वो 35 का था, पैल्पिटेशंस थे, ठीक है वो पतला था, वेल वेल ड्रेस्ड बन के आया था, पर्सनैलिटी बेटा पैल्पिटेशन है, एक्साइटमेंट है, नर्वस है, नो कॉन्फिडेंस है, नॉट बीटिंग राउंड द बुश, इतना सब भी लिख लिए ना 2 मार्क्स के लिए खत्म, ये तो हम आपको 4 मार्क का आंसर दिखा रहे हैं। ही चूजेज नटालिया नॉट फॉर लव बट फॉर नेसेसिटी, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन अ रेगुलर लाइफ ही शुड सेटल डाउन, ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है चलो ठीक है पीपल। वी मे अज्यूम दैट दिस मैन नीड्स टू सेटिएट, सेटिएट मतलब कि सेटिस्फाई, बेटा अगर हाई फाइन फंडू वर्ड्स नहीं लिखे हो तो चिल मारो, ठीक है चलो, नहीं नहीं इतना नहीं लिखना था बेटा, हम इसे एक्स्ट्रा लेकर आए, ठीक है। ही शोज द कैरेक्टर ऑफ पोजेसिव लैंड ओनर ओवर द डिस्प्यूट, इन स्पाइट ऑफ इंसल्ट एंड रिमार्क्स ही शोज मच डेस्परेटीज टू मैरी, एंड बेटा विद ऑल द एब्जर्ड फीचर्स ही इज रियली ह्यूमरस एंड इंटरेस्टिंग। सुनो 2 मार्क्स के लिए ये डबल द मेहनत है, आपने खाली पीपी लिख दिया, फिजिकल एंड पर्सनैलिटी बहुत हो गया, 2 2 सेंटेंसेस, ठीक है 2 2। सुपर चैट सर, मैं तो पेपर के एंड में लिख के आया हूँ हैशटैग अमित सर का स्टूडेंट, हो बेशर अभिनंदन, क्या कर रहा है ये, एंड माय क्यूपी वाज 2 2 2 एंड इट वाज इजी एज जमेंडा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मेरी जान अमित सर को मिल गया, ठीक है थैंक यू सो मच, ठीक है चलो बेटा। व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज फॉर बिकमिंग अ साइंटिस्ट, अरे भाई साहब बेटा एज पर द टीचर, सो रिचर्ड वाई हेरर ने जो बताया ये बात हम आपको सिखा सिखा के बाप रे थक गए थे बेटा। तो एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ बिकमिंग अ साइंटिस्ट आर फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी, जील टू एक्सेल, मतलब विनिंग फॉर विनिंग सेक, ये तीनों पॉइंट्स लिख कर आए हो विद इंट्रो विद कंक्लूजन, 2 मार्क्स इन योर पॉकेट, इजी पीजी, ठीक है चलो।
बेटा फीलिंग्स ऑफ द यंग लॉयर व्हेन ही केम टू नो द रियलिटी, ओ माय गॉड, वापस से दिल की बात. एज लॉन्ग एज द लॉयर डिड नॉट नो ही वॉज लुकिंस नहीं लटकिंस, ही इंजॉयड द कंपनी एंड ग्लोड. मतलब जब तक नहीं पता था खुश था, बट बेटा जैसे ही पता चला ही वॉज वेरी हर्ट, डिसअपॉइंटेड. हिज एंटायर आइडिया अबाउट न्यू मलियन विलेज लाइफ वॉज डैमेज्ड. कुछ भी लिख सकते हो, सबके लिए मार्क्स मिल जाएगा. हाउ मेनी पॉइंट्स निपुण बेटा, वही बात है ना, 40 वर्ड्स में आंसर लिखो फॉर 2 मार्क्स, बस 2-3-4 सेंटेंसेस. ठीक है चलो बेटा. वॉट अट्रैक्ट विजिटर्स टू कूर्ग, हे भगवान. मतलब 6th स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी का सवाल ओपी बोर्ड ने दिया. विजिटर्स आर अट्रैक्टेड बाय एवरग्रीन फॉरेस्ट, हिल्स एंड रिवर कावेरी, वेरियस एडवेंचर स्पोर्ट्स, इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट, आप लिख सकते हो निसर्ग धाम, ब्रह्मगिरी, बाइलाकूप, क्या क्या, और 64 एकर आइलैंड. जो लिखना है लिखो यार, है ना. कनक, आई एम ऑल्सो थिंकिंग द सेम थिंग यार. चलो पीपल, लॉन्ग सेंटेंसेस में ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ द हैक ड्राइवर. लिटरली कल डाउट सेशन में बेटा, कल शाम को अमित सर ने आपको ताजा ताजा दिया है ओलिवर लटकिंस का पूरा कैरेक्टर स्केच. नहीं पढ़ के गए तो बेटा देखो आज आ गया. इसलिए अमित सर की बात सुनो, हमेशा सुनो, अपने जूनियर्स को भी बोल के जाओ अमित सर की बात सुनो. हैक ड्राइवर वॉज लटकिंस, ठीक है. ही फूल्ड पीपल, नेवर पोर्ट्रेड हिज रियल आइडेंटिटी, झूठ बोलता था. ही वॉज अ डिसऑनेस्ट पर्सन हु प्लेड अ लॉट ऑफ पोकर, गुड एट फूलिंग पीपल बेटा, ठीक है ना. ही ओल्ड मनी टू मैनी पीपल, बहुतों को उधार देता था, बट ही नेवर पेड एनी बडी, कुछ पैसे नहीं दिए थे. इट वॉज हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद दिस मनी, उससे पैसे लेना पॉसिबल था. इन ऑर्डर टू एस्केप द समन्स ही प्लेड द रोल ऑफ द हैक ड्राइव, उसको समन्स नहीं चाहिए था, ठीक है. एवरीबॉडी वॉज अवेयर ऑफ हिज मिस्चीवियस डीड, बस खत्म, ठीक है, हो गया. कैन वी राइट 10 रुपीज अ टिकट, बेटा उसको कैसे लिखोगे ना गीता सेन गुप्ता, हाउ विल यू फ्रेम दैट सेंटेंस. द कंडक्टर रिप्लाइड दैट 10 रुपीज अ टिकट, दैट्स रॉन्ग बिकॉज दैट सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट. चलो बेटा, अरे 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 सर, ये पूरा का पूरा सवाल आपको अमित सर ने 10 गारंटीड क्वेश्चंस में आपको अमित सर ने स्प्रिंटेक्स में रिपीट करवाया था. भोली हो एंड इनवाइटेड अ स्पीच ऑन गर्ल एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, बेटा दिस क्वेश्चन वाज फुल सेम टू सेम गिवन. तो ऑनर टू स्टैंड हियर, बेटा स्पीच है तो आपको स्पीच के तरीके से लिखना है, ठीक है. सो गुड मॉर्निंग माई डियर क्लासमेट्स, माई डियर स्कूलमेट्स, फेलोमेट्स, जो भी है. टुडे यू फाइंड मी कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट, इट वॉज टोटली ऑपोजिट. आई वॉज फियरफुल स्टैमरर, माई स्कूल हेल्प मी गेट एजुकेटेड, माई टीचर सपोर्टेड मी. एजुकेशन इज अ वेपन, यू गेट अ चांस टू एक्सप्लोर योर टैलेंट्स एंड केपेबिलिटीज. कॉन्फिडेंट पर्सन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, यू मस्ट थिंक ट्वाइस बिफोर एक्सेप्टिंग द स्टीरियोटाइप्स. हमने स्टीरियोटाइप्स का आपको मतलब भी बताया था, ठीक है. Through education, I could muster up, gather up the courage. Today, I can earn and live and support my parents. You must educate yourself. Same to same answer. आपको हमेशा फिर से दिखा रहे हैं बेटा, ठीक है. चलो, Wally was a mature girl and ahead. I think फिर से 10 guaranteed questions में same answer मौजूद है. OP. क्योंकि हमें सर को पता था ये सवाल आने वाले हैं यार, ठीक है. एंड इसीलिए ना पीपल, कल मैं आपका डाउट्स सेशन लेकर आया, क्योंकि डाउट सेशन में ऑल्सो द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वी कवर्ड. सो वाली 8-year girl, फेवरेट पास्ट टाइम स्टैंडिंग एट द डोर स्टेप वॉचिंग थिंग्स, शी नॉट ओनली सेटिस्फाइड क्यूरियोसिटी, गेन्ड न्यू एक्सपीरियंसेस, मैच्योर, क्लेवर, प्रैक्टिकल. बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर बस राइड, अभी बस राइड के लिए उसने क्या क्या किया, ठीक है. प्लानिंग, टिकट मनी, डिटरमेंट, कंट्रोलिंग, वॉट ऑल डिड शी कलेक्ट, बोर्डेड द बस विदाउट एनी वन हेल्प, डिड नॉट लाइक कॉल मैडम और चाइल्ड, ठीक है. रेफ्यूज्ड फ्री ट्रीट्स, डिड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर. दिस शोज कमांडिंग, कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट. दिस शोज हर डिटर्मिनेशन. सब कुछ बेटा आपको दे दिया था, तो नथिंग न्यू हियर. चलो अभी सुनो, अभी सुनो, अभी बेटा हम अलग अलग सेट्स का जल्दी जल्दी लिटरेचर डिस्कस कर लेते हैं. रीडिंग और राइटिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, वो मैं 6:15 बजे लेकर आऊंगा. तो बेटा अगर आपका ये सेट था CPQRS/2, 2-2-3 में आ जाओ जल्दी जल्दी. कोडावूज हैव कॉन्ट्रडिक्टरी ट्रेड्स. अरे भाई साहब, कॉन्ट्रडिक्टरी ना बोले तो अपोजिट, मतलब ऐसा और वैसा, ठीक है. सपोर्ट, तो देखो बेटा, पीपल आर पीस लविंग, दे आर नोन फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रेडिशन. बोले तो चिल मारना, एंजॉय करना, लेकिन बेटा दे आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी, तो वो लोग क्वाइट जायंट्स है, ठीक है. दे आर द ओनली पीपल हु आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स. अगर आपने दोनों लिख लिया, इजी पीजी, यू विल गेट योर 2 मार्क्स. अगला, वाई डज नटालिया क्वारल विद लव. मेरे को चैट में कौन ये पूछ रहा था, अरे बबुआ बार बार हमको कौन पूछ रहा था, वाई डज नटालिया. हाँ अभी देखो,
सो दे आर नेबर्स हु वुड क्वारल विद ईच अदर फॉर एनी रीजन. बेटा द फैक्ट इज दैट दे आर नेबर्स. हाई सोसाइटी में वो जलन, मेरा कुत्ता बेटर, मेरा जमीन, मेरी धरती बेटर, मैं ऊंचा. इन द स्टोरी दे आर सीन क्वारलिंग ऑन द इशू ऑफ लैंड ओनरशिप एंड ओवर डॉग्स. तो बेटा आपको ये दोनों लिखना है कि पहली बात तो व्हाट ऑल डू दे क्वारल अबाउट एंड व्हाई डू दे क्वारल. नेबरिंग, नेबर की वजह से, ठीक है. मतलब सभी लोग, सभी नेबर्स करते थे तो वो लोग भी करते थे. दैट्स हाउ इट इज. चलो, अमांडा मरमेड क्यों बनना चाहती है, ठीक है बेटा. रोट द सेम आंसर जतिन ओपी मेरी जान, क्या बात है. ठीक है, देखो, अमांडा विशेज टू बी अ मर्मी मरमू मरमेड बिकॉज शी को ड्रिफ्ट ऑल अलोन. तो बेटा वापस से यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वो लैंग्विड एमरल्ड सी, शी वुड बी अलोन ऑन द वेव्स, शी वुड बी चिलिंग, शी वुड बी ऑल अलोन. आप अपने वर्ड्स में लिख लो, चलेगा, कोई बात नहीं है. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन. बेटा वॉट ह्यूमन ट्रेट, वॉट ह्यूमन क्वालिटी डज द पोएट कंडेम. अरे सर, आर्टिस्ट नीड्स टू कन्वे दैट द क्रीचर्स नेवर ग्राइप, नेवर नहीं, never complain about any circumstances. Creatures are vain and vain. No. Creatures are quiet. They are contained, peace-loving and quiet. They are rarely remorseful. मतलब बेटा वो लोग कभी भी regret नहीं करते. सुनो सुनो सुनो, अगर आपने इतना complicated नहीं लिखा, अपने words में लिखा है तो भी मिल जाएगा. Basically ना वो लोग रोते नहीं है कुछ भी करने के बाद, ठीक है ना. ह्यूमन बींग्स क्या है, सोचते रहते हैं, रोते रहते हैं रात भर. एवरीथिंग इफ यू राइट यू विल गेट योर मार्क्स, ठीक है. दे आर क्वारलसम. ध्रुव बेटा, हूज क्वारलसम. चलो बेटा, हाउ वाज बेलिंडास बिहेवियर विद द ड्रैगन. आई मीन सर, मतलब कहाँ आपको हम सिखाए थे इतने पेचीदे पेचीदे. आय हाय हाय. देखो, बेलिंडा हैड अ वेरी पुअर ओपिनियन, मतलब कि बहुत सैड थी वो, ठीक है. कंसिडर्ड हिम अ कावर्ड, टॉन्टेड हिम, टिकल्ड हिम, ऑल अदर पेट्स मॉक्ड एट हिम, मेड फन ऑफ हिम, कॉल्ड हिम पर्सीवैल, टिकल्ड हिम मर्सिलेसली. ये सारे पॉइंट्स भी लिखे मिल जाएंगे आपको मार्क्स, ठीक है. चलो सर, अमांडा वॉज मैनरलेस. उदयगिरी बेटा मैनरलेस, ठीक है. शी वॉज वेल डिसरिस्पेक्टफुल. चलो, Why did Viceroy copy the monarchs? OP सवाल आ गया, copy वाला, ठीक है, straight forward. They copy monarchs because monarchs don't taste good. On the other hand, Viceroy butterflies taste good. To save themselves, they copy. खत्म. मतलब ना बेटा, इससे ज़्यादा memory based answer आ ही नहीं सकता है, ठीक है. चलो बेटा, जो भी सेट अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आज शाम को 6:15 बजे इंग्लिश चैनल पे डिस्कस करूंगा. तो वो चैनल पे आओ, सब्सक्राइब करो और हमको देखो. बट आज दिन खत्म होने से पहले सारे सेट्स डिस्कस कर लूंगा, ठीक है. ओके राकेश शर्मा, थैंक यू. बेटा, हाउ वाज लटकिंस डिस्क्राइब्ड बाय द हैक ड्राइवर, ठीक है. द डिस्क्रिप्शन गिवन वॉज ऑफ अ डिसऑनेस्ट. अकॉर्डिंग टू हिम ही प्लेड द गेम ऑफ पोकर, एक्सपर्ट एट मिसगाइडिंग. Owed a lot of debt to people, never paid back his debt, was a complete crook. Khatam. Sab kuch likho, jo bhi likho beta, theek hai. Chalo beta, lambe lambe answers. How does Buddha bring about a different perspective? Kissa Gautami's understanding of life, super simple hai. Kissa Gautami comprehended she was being egotistical. Beta yahan pe aap selfish bhi likh sakte ho yaar. Egotistical मत लिखो. In her distress as death saves nobody, ठीक है. It is normal for everything and there doesn't exist an individual who has not lost a darling, oh God, loved one लिख सकते हो. This was the very thing. तो मतलब बेटा, death is inevitable, death is common to all, accept it and move on. अपने words में लिखो, चलेगा, ठीक है. हाँ, ध्रुव ध्रुव बेटा, यू आर राइट, दैट इज कम्प्लीटली ओके. हाँ ध्रुव बेटा, चलेगा, बिकॉज उनका नेचर क्वारलसम था. अरे परफेक्ट है ना, क्यों नहीं चलेगा मेरी जान, चलेगा, ठीक है. चलो सर, 4 मार्क्स के लिए सर इतना ही नहीं बेटा, ये छोटा आंसर है, आपको और लिखना पड़ेगा. ये हम खाली एकदम वैल्यू पॉइंट्स लेकर आए हैं, ठीक है. तो बेटा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव मतलब कि उसको डेथ के बारे में सिखाया, एग्जाम्पल्स दिया, उसको ये दिखाया कि हर एक घर में डेथ हो चुकी है, डेथ इज द ग्रेट इक्वलाइजर. सो हु इज फ्री फ्रॉम सॉरो, वन हु एक्सेप्ट्स इट, वन हु मूव्स ऑन. वो सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है. चलो बेटा, एज अ रीडर, ये सवाल ओपी सवाल था यार. पीपल फर्स्ट जलवा क्वेश्चन दैट आई लाइक्ड, फर्स्ट जलवा को अभी तक, मतलब हम सिखा रहे हैं पिछले 38 मिनट से इतने सवाल करने के बाद. डू यू सिंपथाइज विद मटिल्डा, ओ माय गॉड. सो बेटा, अभी आपको, आप ना तो नहीं बोल सकते हो, क्योंकि बेटा देखो, उसने उसने गलती की, उसने पाप किया, लेकिन उसने भुगता भी. सो शी डिड रिपेंट फॉर एवरीथिंग.
तो उसको आपको लंबे में लिखना है, विदाउट एनी सर्वेंट्स मटिल्डा नीडेड टू कुक क्लीन पैच डील विद द मर्चेंट बुचर टू सेव ईच पेनी द स्पाउस, मतलब मटिल्डा का मटिल्डू उसका मिस्टर लॉजेल नीडेड टू वर्क इन द इवनिंग एंड नाइट, उसको दो दो जॉब तीन तीन जॉब करता था, बेटा 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 आपको लिखना पड़ेगा, हाउ एवर दे आर हार्डशिप्स वर अ रिजल्ट ऑफ मटिल्डाज ओन एक्शंस। तो इसमें ना आप थोड़ा दोनों कर रहे हो, ठीक है, आप 100% बोल रहे हो कि उसकी हालत तो बहुत बिगड़ गई बेचारी की, उसकी पूरी ब्यूटी चली गई, यू नो, एंड शी डिड, बेटा यू कैन नॉट से शी लर्न अ लेसन, वी डोंट नो दैट शी लर्न अ लेसन और नॉट, ठीक है, एंड शी, तो शी न्यू नाउ द लाइफ ऑफ नेसेसिटी, बेटा ये नेसेसिटी को आपको जी भर के जस्टिफाई करना पड़ेगा, एंड कैसे उसने झेला, उसके हस्बैंड ने झेला, वो सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, एक्चुअली बेटर नॉट टू चूज द क्वेश्चन, अपना आई एग्री विद यू। अरे एज वाली मेकर डायरी एंट्री स्प्रिंट एक्स ओपी, बेटा आज एक अमित सर के लिए फेवर करना, सारी स्प्रिंट एक्स वीडियोस में जाके ना एक हार्ट कमेंट देख के एक लाइक दबा के आना पक्का, अमित सर को बहुत खुशी होगी यार, स्प्रिंट एक्स में से सारे आंसर्स आए बेटा, क्योंकि इस बार स्प्रिंट एक्स अमित सर ना दिमाग लगा के बना के आए थे एकदम आपके लिए, तकड़म तिकड़म, ठीक है। चलो डायरी एंट्री एक्सपीरियंस डियर डायरी, ठीक है, हेलो हेलो, डेट ऊपर आएगा बेटा, तो फॉर्मेट है DDTP, डेट डे टाइम प्लेस, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद डियर डायरी, अ ड्रीम केम ट्रू व्हेन अ लॉन्ग अभिनंदन कॉल अभिषेक से इंग्लिश का एवरेज स्कोर फिजिक्स से अच्छा होगा। बेटा अभिषेक से बहुत डरे हो क्योंकि देखो पिछली बार देखो फिजिक्स आ गया आसान, इंग्लिश आ गया तिकड़म, तो इस बार इंग्लिश आ गया आसान। अभिषेक सर इज काइंड ऑफ वरिड बेटा, आप समझ रहे हो ना, हाँ, तो अभी बेटा प्रॉब्लम बात ये है, ठीक है, इसीलिए चलो बेटा, द इट वॉज अ वंडरफुल एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस वाइल गोइंग टू द सिटी वॉचिंग अ स्मॉल काउ फिल्ड मी विद जॉय, आई लाफ्ड, इट वॉज फनी, रनिंग इन फ्रंट ऑन माई जर्नी आई सॉ डेड काउ, आई आस्क द कंडक्टर इफ दैट वॉज द सेम काउ, वेन आई केम टू नो इट वॉज द सेम काउ आई वॉज सो अपसेट। तो बेटा आपको हमेशा डायरी में लिखना है एप 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 एप, मतलब फैक्ट्स और फीलिंग्स, आपने क्या देखा, आपने क्या सोचा, आपने क्या देखा, आपको क्या फील हुआ, बस खत्म, ठीक है। सो अ काउ दैट फिल्ड मी विद जॉय वॉज लाइंग डेड, आई कुड सी द ब्लड कमिंग आउट, इट वॉज सो हॉन्टिंग आई कुड नॉट एंजॉय आर, इजी पीसी, ठीक है। चलो तो बेटा अभी ना अभी क्वेश्चंस काफी रिपीट होना चालू होंगे, तो हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन हो चुका है। अभी CPQRS का सेकेंड वाले सेट का बेटा ये लिटरेचर है, ठीक है। सो आंसर एनी सिक्स क्वेश्चंस, व्हाई इज कूर्ग कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, मतलब चैप्टर धनधनाधन बेटा, बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ हिल्स, और क्या लिखोगे यार, आई मीन मैंने कभी सोचा नहीं था कि टर्म टू में ऐसे सवाल आएंगे यार, कहां टर्म वन, yours faithfully, yours sincerely, yours with, ठीक है, and itself a hill station, the hill seemed to roll down in a panoramic view, it is completely, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, जो लिखना है लिखो, marks मिल जाएंगे यार people, ठीक है। चलो, what was the objective of Lomov's visit, to ask him to marry, ठीक है, he wanted to propose, he wanted their families to come together, लिखो अपने हिसाब से, marks मिल जाएंगे बेटा, guarantee, उसके tension मत लो। चलो, Amanda was blamed for a number of things, मतलब अमित सर ये पढ़ रहे थे, हंस रहे थे, रो रहे थे, नाच रहे थे, बेटा हम ऐसे ऐसे एकदम बावला बन के नाच रहे थे, लिखो यार, मत खा, मत हंच कर, चॉकलेट मत खा, साफ कर, सॉक्स पहन, पता नहीं जो भी था वो सब कुछ बेटा, ठीक है। चलो बेटा, वॉल्ट विटमैन स्पीक्स ऑफ द ह्यूमन रेस विद द टिंज ऑफ सरकैज्म, टिंज मतलब ना स्लाइट, थोड़ा बहुत सरकैज्म, विच आर द टू रीजंस दैट यू अग्री विद, अच्छा सवाल है, ठीक है। तो अगेन आपको इसमें ना ह्यूमंस की बजानी है, एनिमल्स की बढ़ानी है, तो बस वही है। तो वॉल्ट विटमैन सेज ही इज मोर कंफर्टेबल विद एनिमल्स बिकॉज दे आर बेटर, एनिमल्स आर काम कंटेंट, दे डोंट सफर फ्रॉम गिल्ट, ह्यूमंस आर फिल्ड विद ग्रीड, दे aren't content, make each other sick, same to same answer लिखना है। अच्छा बेटा ये बहुत लंबा answer है, आपको उसके खाली दो points लिखना है, two marks के लिए, ठीक है। It seems as though humans have shed their values, human society is blemished, इतने high five words मत लिखना बेटा, chill मारना, ठीक है। डेट एंड डे इज इट फाइन, चलेगा अनुष, अनुष टिक्कू बेटा चलेगा, क्योंकि देखो आइडियली डायरी एंट्री में आपको फॉर्मेट भी लिखना चाहिए, लेकिन अभी कहीं ना कहीं अगर उसका हाफ मार्क कटेगा, सो आई एम नॉट श्योर, वैसे दे आर टेस्टिंग यू ऑन द बॉडी ऑफ द डायरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो डियर डायरी, बॉडी एंड सिग्नेचर, ठीक है। चलो, हाउ डिड कस्टर्ड प्रूफ कावर्डली ड्रैगन टैग टू बी अनट्रू, सुपर इजी है, मजा आ गया पीपल, सुपर सिंपल है, ठीक है। दैट इज Only Custard faced the dreadful pirate heroically, बोले तो तोड़ दिया, like a hero he attacked, he pounced, he ate, he
दीज हीरोइक डीड्स प्रूव्ड, वो तो डरपोक नहीं था सर। पीपल व्हाट रोल डिड ई ब्राइट की मम्मी, भाई साहब इतनी बार आपको पढ़ाए थे, हम तंग हो गए थे कल रात को। हमको बच्चे पूछे थे सर उसकी मम्मी अच्छी थी कि बुरी थी। अरे बेटा ई ब्राइट की मम्मी को तो छोड़ दो यार, ठीक है। सो बेटा क्या क्या एनकरेज हिम, टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माउंटिंग मटेरियल्स, आई मीन जो सवाल ना मैंने ऐसे इन पीटी में एक्सपेक्ट नहीं किए थे ना बेटा, आपके ये सब इसमें आ गए, मतलब बोर्ड एग्जाम में। हाउ वॉज द हैक ड्राइवर रिकग्नाइज्ड, अच्छा सवाल था, ईजी है। लेकिन द लॉयर वॉज रिबक्ट, बोले तो स्कोल्डेड बॉय हिज बॉस हु टोल्ड हिम टू गो बैक विद द पर्सन हु न्यू लटकिंस, वेन दे रीच देयर ही फाउंड बिल, ठीक है। एंड बेटा द मैन रिकग्नाइज लटकिंस, दिस इज हाउ हैक ड्राइवर रिकग्नाइज, इजी पीजी, फिर से सेम टू सेम, ठीक है। सर डोमिनोज को कॉल करके बोलो बर्गर किंग वाला बर्गर या फिर ढाबे वाली दाल ऑर्डर करनी है। तुम लोग अभी मस्ती बंद करो, तुम लोग सब लोग ठीक है ना, अमित सर बहुत खुश है, तुमको चिल्लाएंगे नहीं। चलो बेटा अभी रीडिंग के रिपीट हम लोग सवाल शुरू करेंगे। एज अ रीडर डू यू सिंपथाइज विद मटिल्डा, पहले हो चुका है सेम सवाल। एज वाली मेकर डायरी एंट्री, हो चुका है सेम सवाल। बेटा अभी सुनो डी पी क्यू आर एस सेट का स्लैश सेट 2/4/3 डिस्क्राइब द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, सेम टू सेम टू सेम, ठीक है। सो नॉट ओनली ऑफर्स पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप, गेट वे टू हिडन सरप्राइजेस, वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड टू 64 acre आइलैंड ऑफ निसर्ग, मतलब टेक्स्ट बुक ओपी बेटा। जो जो अपने जूनियर्स को अभी का भी बोल देना एक अमित सर के साथ जुड़ जाओ, बी टेक्स्ट बुक पढ़ लो, देख लो बेटा, ठीक है ना। रोहन रॉय मैं बेकअप वाला डांस नहीं करूंगा। आज हमारे इंस्टाग्राम पे स्टोरी में डाला है हमने, व्हाई डिड किस्सा गौतमी बिकम वियरी एंड होपलेस। सुपर बेटा, एवरीथिंग वाज फैक्चुअल, एवरीथिंग आपके टेक्स्ट बुक में से है। सो ही शी बिकेम वियरी होपलेस, शी वॉज अनेबल टू गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, सिटिंग एट द वे साइड ऑल अलोन, सीइंग द डार्कनेस एनगल्फिंग, शी रियलाइज्ड the truth about the destiny. She had understood that death is common to all. तो बेटा वियरी मतलब कि पूरा दिन भटकने के बाद she was carrying the dead child in her hand all of this के बाद, ठीक है। Panoramic view is a must बेटा, yes yes Ramya, yes. I am an orphan roaming the street. Why does Amanda say this? अरे यार ठीक है, टीनेजर है, मम्मी इज वरी टेलिंग हर वॉट टू डू, अमेंडा रेस्ट्रिक्टेड फ्रस्ट्रेटेड, फ्रीडम चाहिए, शी स्टार्ट्स इमेजिनिंग हर सेल्फ ऑर्फन ही बली, अनाथ बली। ओ माई गॉड बेटा, टू थिंग्स दैट एनिमल्स डू एंड ह्यूमंस डोंट, तोड़ दो अभी आप इसमें कुछ भी लिखो, ठीक है। ह्यूमन स्वेट एंड वर्क हार्ड, एनिमल्स डोंट, ठीक है। दे डू नॉट वाइन, दे डू नॉट सल्क, ह्यूमंस लाई अवेक एंड क्राई, एनिमल्स डू नॉट वीप, एनिमल्स आर क्या सेल्फ कंटेन्ड, प्लेसिड, काम, यू नो, एंड दे आर नॉट बॉदर्ड, सब कुछ लिखो, इजी पीजी, सेम टू सेम टू सेम। सर डायरी फॉर्मेट के लिए मार्क्स मिलेगा, डायरी फॉर्मेट के लिए मार्क्स मिलेगा, गणपति मतलब लिख कर आए हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख कर आए हो तो कम से कम डियर डायरी और बॉडी और सिग्नेचर लिख कर आए तो मिलेगा। व्हाई डिड द पायरेट गेप एट बेलिंडा, बेटा ये अच्छा सवाल था, गेप मतलब ऐसे खुला क्यों रह गया उसका मुंह। द पायरेट हु टेरिफाइड बेलिंडा एंड ऑल अदर पेट्स गेप्ड और वॉच द जाइजेंटिक ड्रैगन बिकॉज ही वॉज अमेज्ड दैट द ड्रैगन वाजंट अफ्रेड। तो बेटा वो पहले शॉक में आ गया कि ये है क्या, ये हर कर क्यों रहा है ऐसी चीजें, ड्रैगन एज अ पेट इज नॉट दैट कॉमन। तो वो पहली बार ड्रैगन को देख के शॉक में आ गया कि ये ड्रैगन कैसे आ गया ऐसे। बेटा हाउ वॉज द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स अ टर्निंग पॉइंट, ठीक है। सो बेटा दिस बुक टोल्ड अबाउट माइग्रेशन, दिस बुक अराउज्ड इंटरेस्ट, ओपनड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस, टर्निंग पॉइंट मतलब इसमें भी हम लोगों ने मतलब ये ना सब कुछ बिगिनिंग में किया है। सर ये बी पी क्यू आर एस का नहीं है, अच्छा ठीक है, बुलियन सिद्धि आपको आंसर तो क्वेश्चन तो पता है ना, कोई बात नहीं। डिस्क्राइब द यंग लॉयर्स फर्स्ट एनकाउंटर विद अ हैक ड्राइवर, अरे अरे सर ठीक है। वेन ही रीच द न्यू मलियन ही केम अक्रॉस अ मैन ऑफ 40, मतलब उसका फिजिकल पेरी पौना का पी पी खाली पी, रेड फेस, चेयरफुल, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज बिल, नैरेटर ट्रस्टेड हिम, टोल्ड हिम एवरीथिंग, ठीक है। बेटा टू मार्क्स के लिए ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, चलो एनी लंबे लंबे। एज वाली मेकर डायरी एंट्री, डन डन डन। हाँ अभी सुनो, नटालिया एंड चुबुकोफ टर्न अराउंड व्हेन लोमोफ पुट्स हिज प्रपोजल इन द ओपन। एज अ रीडर ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट डू यू थिंक ऑफ नट्टू एंड चुब्बू, मस्ट आंसर, अच्छा आंसर है। सो बेटा अभी ना हमने आपको ऐसे वैल्यू पॉइंट्स के हिसाब से दिया है, आपको लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन, आपको लिखना पड़ेगा कंक्लूजन। नटालिया शॉर्ट टेम्पर्ड है, ग्रीडी है, नो रिस्पेक्ट फॉर लोमोव है, टिल शी केम टू नो के दैट ही वॉन्ट्स टू मैरी हर, मतलब अपॉर्चुनिस्टिक है, सेल्फिश है, डेस्परेट टू गेट मैरिड है। चुबू
केयरिंग सेंसिबल फादर जो मेरे बच्चों को यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं कल से बोल रहा हूँ चुबू इज अ गुड फादर, बच्चे बोल रहे हैं सर नहीं। ठीक है बेटा है, चलो पेपर बहुत गंदा गया, ओ मेरे पारस बेटा, चल कोई नहीं आगे के पेपर अच्छे जाएंगे। ठीक है, नटालिया एंड हिज बिजनेस, लाइक ऑल बिजनेस डील्स ही इवन लुक्स फॉर द लुक्रेटिव। बेटा लुक्रेटिव मतलब के प्रॉफिट, प्रॉफिट इन नट्टूज मैरिज, हर इमोशंस डू नॉट मैटर, ही इज रेडी टू गेट हिज डॉटर मैरिड। कुछ भी हो जाए ना बेटा शादी कर लो। ठीक है, अच्छा क्रेडिट ऑफ भोलीज ट्रांसफॉर्मेशन टू सुलू सुलेखा गोज टू हर टीचर। बेटा इलेबरेट विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट। तो देखो भोली की टीचर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, पोलाइट थी, फ्रेंडली थी, भोली टू पुट असाइड अ फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू स्पीक, शी ट्रांसफॉर्म्ड भोली इनटू अ कॉन्फिडेंट गर्ल हैविंग सेल्फ रिस्पेक्ट। स्टैंडर्ड है पीपल, एवरीबडी स्टैंडर्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने सबने ये पहले डिस्कस कर लिया था। चलो बेटा सेट 2/3/1, इसका हमको ना अल्फाबेटिकल कोड नहीं मिला तो हम फिर भी ले आए। ग्रीफ इज सीन एज अ मेजर ऑफ लव जस्टिफाई। तो बेटा ग्रीफ बुद्धा सर में, ग्रीफ इज अ मेजर ऑफ लव फॉर दोज हु आर नॉट एनलाइटेंड एंड स्टिल आर ट्रैप्ड। मतलब बेटा आपके ग्रीफ से आपका प्यार नहीं नजर आता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म एवरीथिंग इज ओनली टेम्पररी, सोल इज एवरलास्टिंग। जलवा क्वेश्चन है बेटा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अगर आपने अटेम्प्ट किया और आपको आया चुमियन हाई फाई, वरना छोड़ दो। चलो हाउ डिड द बेकर बिकम सिनोनिमस, अरे सर ये तो हम कल पढ़े थे यार। ठीक है, सेलिब्रेशंस, बेक्ड गुड्स, फेस्टिविटीज, एंगेजमेंट, सैंडविचेस, ब्रेड, क्रिसमस केक्स, बॉलिना, सब कुछ लिखो। बेटा अमांडा इज अलोन बट नॉट लोनली। ठीक है, जस्टिफाई बेटा ये भी कल हमने मैराथन में एंड डाउट्स में डिस्कस करा है, तो डन 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 है। ठीक है, अमांडा सीम्स टू बी फेड अप विद कंटिन्यूस इंस्ट्रक्शन एंड नैगिंग्स, शी इज फीलिंग दैट हर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। शी इमेजिन्स हर सेल्फ टू बी एन ऑर्फन स्ट्रीट चाइल्ड हु लीव्स इम्प्रिंट्स कॉस्ट ऑन द सॉफ्ट डस्ट। शी फील्स दैट साइलेंस इज गोल्डन और प्रेशियस एंड फ्रीडम इज स्वीट। सेम आंसर ही है, आपको अलग अलग तरीके से पैकेज करके दे रहे हैं। आई एम प्रिटी श्योर आपको आता है। बेटा हाउ वुड यू डिस्क्राइब कस्टर्ड, और यार मतलब टेक्स्ट बुक को छापो। ठीक है बेटा, बिग शार्प टीथ, स्पाइक, स्केल्स, अपियर टू बी अ कावर्ड, वॉज अ ब्रेव, ब्रेवरी एंड अपियरेंस आर वाइटल। ठीक है, एंड इसके अलावा वो चिमनी फॉर अ नोज, सॉरी फायर प्लेस फॉर अ माउथ, चिमनी फॉर अ नोज, सब कुछ लिखो 2 मार्क्स के लिए। अ पेरेंट शुड बी अ कंपेनियन लिखो, मतलब जस्टिफाई। तो मम्मी ओपी, ठीक है, हेल्प टिम बाय एनकरेजिंग, टुक हिम ऑन ट्रिप्स, माइक्रोस्कोप, सेम टू फिर से, हेल्प हिम इन मेनी अदर वेज, सपोर्टेड हिम, बस। बेटा हाउ डिड द नेकलेस चेंज, बेटा 2 मार्क्स। ठीक है, नेकलेस चेंज द वे द प्रिटी लेडी टू अ रिंकलिंग वुमेन। तो इन ऑर्डर टू पे द लोन दे शिफ्टेड टू अ स्मॉल कॉटेज, शी डिड ऑल द हाउस होल्ड वर्क। आप कुछ भी लिख सकते हो कि दे लेड अ लाइफ ऑफ नेसेसिटी, दे टुक अ लार्ज लोन, दे केप्ट पेइंग बैक द लोन, सब कुछ चलेगा। ठीक है, डू यू अग्री वॉल्ट विटमैन का परसेप्शन ऑफ एनिमल लाइफ जस्टिफाई। तो बेटा हाँ, आप डिसअग्री तो नहीं कर सकते हो ना, अभी आपको पोएम में अच्छा लिखा है, तो बेटा ये आइडियलिज्म बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर ट्रू, ही हैज नॉट एग्जैजरेटेड और फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेट मतलब लाई। इट इज अ नेचुरल परसेप्शन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स दैट एनिमल्स नेवर स्वेट एंड माइंड, एंड दैट इज सो ट्रू, ईजिएस्ट एंड द कूलेस्ट थिंग। चलो बेटा, भोली के बाद रोल मॉडल फॉर विलेज गर्ल्स डिस्कस अल्टीमेट। तो ये सवाल भी अगर आपने हमारे पिछले सारे वीडियोस को देखा है तो बेटा बहुत बार डिस्कस्ड है, तो सॉर्टेड है। ठीक है, भोली निग्लेक्टेड, फोर्थ डॉटर, रेवेन्यू ऑफिशियल, स्मॉल पॉक्स, विच लेफ्ट मार्क्स, हेड इंजरी, माइंड स्लोअर, शी लर्न टू स्पीक लेट, शी वॉज इलिटरेट लेट। ठीक है, लुक डाउन, हर मेडिकल कंडीशन, अदर बिहेवियर्स मेड हर एन इंट्रोवर्ट, शी वॉज लाइक एनी अदर चाइल्ड हु वॉज फॉन्ड ऑफ पेट काउ, हर हेजिटेशन शोज दैट शी वॉज अनअवेयर ऑफ ओल्ड कस्टम्स, स्टिल अंडरस्टूड देम एज समथिंग बैड। आफ्टर गेटिंग एजुकेशन एंड एनकरेजमेंट, बोले तो बन गई हमारी दीदी। सब कुछ हमने डिस्कस करा है। बेटा वाली वॉज सेंसिटिव बट ऑल्सो शी वॉज फियरलेस, स्प्रिंटेक्स ओपी, सब कुछ स्प्रिंटेक्स में आ चुका है बेटा। ठीक है, फिर से, 8-year-old girl, favorite pastime was standing, satisfied her curiosity, mature, clear, practical, सब कुछ है, strongest desire, बस उसने बस की journey के लिए कैसे किया, madam और child नहीं पसंद किया, independent थी, determined थी, fearless थी, self-dependent थी, self-respecting थी, सब कुछ हमने discuss किया, same to same to same।
बेटा ये भी हमने हो चुका है, रशियन सोसाइटी एमर्जेस एज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डिस्कस, इजी पीजी। तो बेटा थ्रोज लाइट ऑन द लाइफस्टाइल ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, फार्म लेबरर्स वर्क लैंडलॉर्ड्स चिल्ड, डिस्कस हो चुका है ये सुपर 30 में, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स आर फुल ऑफ प्राइड, दे क्वारल्ड ओवर स्मॉल 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 इश्यूज, इन द प्ले दे फाइट ओवर लैंड एंड डॉग्स। चुबुकोव ऑल्सो जॉइंस बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सपोर्ट दैट डॉटर्स वर कंसिडर्ड टू बी अ बर्डन। शादी ओपी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो डन खत्म, ठीक है। सो बेटा अभी सुनो, जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, ज्यादा टाइम के लिए मत जाओ, खाली एक घंटा दे रहा हूँ, चाय पी के मोमोज की प्लेट खा के चाट पापड़ी खा के फिर से आ जाओ। अमित सर इज कमिंग विद द रिमेनिंग एनालिसिस ऑफ द सेट्स, जिसका रीडिंग राइटिंग और ग्रामर बाकी है एट 6:15 PM, लेकिन ऑन द इंग्लिश चैनल आ जाओ सारे के सारे, उस पर भी करेंगे। अभी मेरे को चाहिए, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेगा, ठीक है बेटा। अभी देखो इट्स द टाइम टू लुक फॉरवर्ड। अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, आपको एक लिंक मिलेगा, रीच आउट टू मी एंड माई टीम, वी आर देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू। बेटा फ्री में करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं सोचना है, नो बडी विल इंडल्ज इन एनी गॉसिप और एनी रूमर, सर ये होगा, सर ये मार्क्स कटेंगे, सर टर्म टू का वेटेज, जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक कोई कुछ नहीं सुनेगा। यू हैव एनी क्वेरीज, अमित सर ने अपने कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम ईमेल, हमारे पास आओ, हमारे से पूछो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच बेटा for attending my video. I will see you guys back live at 6:15. Tab tak ke liye, please take care, please stay safe. This is Amit Saw, signing off.